ऑलराउंडर ब्लॉग में आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज हमने बालेश्वर का पूरा एक्सप्लोर किए और घूमते घूमते तीन चार जगह का वीडियो बनाए। मंदिर बहुत फेमस जगन्नाथ मंदिर है, इमामी जगन्नाथ टेम्पल बोला जाता है। तो मैं आया हूँ मेरे दोस्त के साथ में, तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा अंदर में घुसूँगा और अंदर का जो मंदिर का व्यू है बहुत अच्छा व्यू है और मंदिर को तो इतना खूबसूरत से बनाया गया है दोस्तों, क्या बोलूँ मैं आपको। अंदर जा करके आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ से फिर हमको बड़बीर रातों रात निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहने के लिए हमारा ऐसा कोई सुविधा तो है नहीं। और जो जितना पैसा लाए थे बीच में हम लोगों का पैसा भी गिर गया। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का दिखा देता हूँ, ये है इमामी का NH रास्ता, छोटा सा मार्केट है देखिए। तो अभी हम लोगों को शाम हो गया घूमते घूमते, तो उतना टाइम नहीं है, वरना मैं यहाँ का मार्केट का भी वीडियो बना करके आपके सामने में पेश करता। अंदर घुस करके जितना होगा यहाँ का वीडियो बना करके हमको अभी निकलना पड़ेगा। तो भैया से बात किए, यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है बोला वीडियो कैमरा मत कीजिए। तो मैं बोला उनको मैं अपना मोबाइल से रिकॉर्डिंग करूँगा, तो भैया बोले ठीक है अपना मोबाइल से कर सकते हो। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ इमामी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में आ गया हूँ। बहुत आदमी आए हैं देखने के लिए, यहाँ के लोकल भी आए हैं और दूर दूर से भी आते हैं। तो बालेश्वर में मेरे को आ करके बहुत अच्छा लगा और मैं गया था दो तीन जगह, वीडियो बनाया आपको कल या परसों को मिल जाएगा उस वीडियो। तो गाइस देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए आज कोई त्यौहार है, तो त्यौहार नहीं है 12 महीना ऐसा मंदिर को सजाया जाता है। देखिए लाइट कनेक्शन क्या किया है और हूबहू लगेगा कि आपको पूरी का मंदिर है, उसी डिजाइन से बनाया गया है मंदिर को। तो मैं आपको ऐसे ऐसे दिखाने के लिए पूरा कोशिश करते रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा अच्छा आपको दिखाऊँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो ये है उसका मेन एंट्रेंस गेट, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी अंदर भी जाएंगे। गाइस देखिए बहुत आदमी आया है, देखिए इस तरह का माहौल है और मुझे तो अच्छा लगा। लग रहा था कि रात को यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा क्योंकि लाइट का कोई सुविधा नहीं होगा, लेकिन लाइट तो जल रहा है फिलहाल दिख रहा है कैमरा में। और अंदर जा करके आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर चप्पल जूता रखने का एक स्टैंड बनाया गया है, अपना जूता चप्पल रख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मंदिर की ओर जा ही रहा हूं, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ जानकारियां भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, फुल वॉच करने का पूरा कोशिश करें ताकि मेरा भी कोई जानकारियाँ आपसे मिस ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ बालेश्वर का इमामी टेम्पल, जो कि यहाँ का इमामी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और निर्माण कब से हुआ मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आपको मैं पहले मंदिर के चारों ओर घुमा करके दिखाऊँगा और मंदिर का क्या क्या खासियत बातें हैं वो भी आपको मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। गाइस ये है मंदिर का एक बीच में पानी का टंकी है और इसमें कुछ पैसा फेंका गया है और कुछ सिक्के भी, तो नोट तो भीगे नहीं है लेकिन देखिए गाइस बहुत सारे सिक्के हैं। मंदिर के सामने में बहुत बड़ा सा स्तंभ बनाया गया है जैसा कि हर मंदिर के सामने में होते हैं। यहाँ पर आते हैं कई लोग अपना माथा टेक कर अपना मनोकामना रखते हैं ताकि पूरा होता है। तो मैं अभी मंदिर की ओर तो जा रहा हूँ लेकिन आपको मंदिर के अंदर घुस करके अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले आपको मैं मंदिर का चारों ओर घुमा करके दिखाता हूँ ताकि देखने में आपको भी मज़ा आए और जहाँ तक लग रहा है कि आपको भी अच्छा लगने लगे हैं। और ख़ास करके इस मंदिर के बारे में बताऊँ तो जितने भी आप देख रहे हैं मंदिर के ऊपर में लाइट कनेक्शन हुए हैं, ये 12 महीना लाइट कनेक्शन रहते हैं ऐसे। और यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं या लोकल भी आते हैं। और ये कब से निर्माण हुआ है आपको मैं बताऊँगा और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जैसा है कोई दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में। इमामी जगन्नाथ मंदिर बालेश्वर में एक स्थित सुंदर हिंदू मंदिर है। ये मंदिर बालेश्वर शहर से 12 किलोमीटर दूर है, जो लगभग 12 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और सुंदर प्राकृतिक उद्यानों से घिरा हुआ है। मंदिर काफ़ी नया है, जिसे 2009 में कलकत्ता स्थित एक बड़े निगम समूह द्वारा बनाया गया था, जो समाज को वापस देने के प्रयासों को किस्से के रूप में था। भगवान जगन्नाथ का मंदिर बालुआ पत्थर में बनाया गया है। इस मंदिर के वास्तुकला पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के शास्त्रीय पैटर्न का अनुसरण करती है, जहां मुख्य मीनार आंतरिक गर्भगृह से ऊपर उठती है, जिसमें देवता और एक सहायक मीनार सभी से ऊपर उठती है। मंदिर का कुल हाइट है 78 फीट। गाइस मंदिर के दाहिने साइड में चार मंदिर हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये है भगवान शिव जी का मंदिर है और पीछे में माँ बिमला का मंदिर है
और बायां साइड में जैसे आप जाएंगे वहां पर माँ लक्ष्मी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, साथ ही साथ संकट मोचन का मंदिर है। तो गाइस मंदिर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी मैं अंदर भी जाऊंगा। 22 उठती सीढ़ियों की ऊंची भूमि पर बना है जिससे ये और भी प्रभावशाली दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर 8 धातुओं अष्ट धातुओं की मिश्र धातुओं से बना एक पहिया है, इसे नीला चक्र ब्लू हिल कहा जाता है। गाइस यहाँ भी देख सकते हैं, लोग आते हैं प्रतिदिन यहाँ पर आकर के मंदिर के दर्शन करके जाते हैं और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मंदिर के हर दीवार पर वास्तुकला से अष्ट धातु से बना एक से एक मूर्तियाँ जो कि मन को छू लेता है। आप में से कितने लोगों को पता है ये भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है, मुझे कॉमेंट के माध्यम बता सकते हैं। तो गाइस आपको बालेश्वर का इमामी जगन्नाथ टेम्पल कैसा लगा मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरा छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने में अच्छा अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करते रहता हूँ और कोशिश करूँगा, लेकिन आपका एक एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन मुझे देता है, मेरा हिम्मत बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब से ही मैं आगे बढ़ सकूँगा, तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अगर यहाँ आप आना चाहेंगे तो यहाँ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। दोनों दीवारों में चारों ओर चार दीवार है। मुख्य दीवार को सिंह द्वार या शेर द्वार कहा जाता है क्योंकि इसके सामने शेरों की दो विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में चार विशेष ब्लॉक शामिल है। गाइस मंदिर पर घूम घूम के देखा, बहुत अच्छा लगा। मंदिर का इतना खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया है, और ये मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, और मंदिर के चारों ओर विष्णु भगवान का जितने अवतार लिए थे सब अवतार का एक से एक मूर्ति बनाया गया है। मैं आपको दिखा दिया मेरा वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट जरूर करें, और ज़्यादा नहीं, और 10 मिनट के अंदर में निकल जाएंगे। क्योंकि ये है माँ लक्ष्मी का और संकट मोचन हनुमान का मंदिर जैसे मैंने आपको बताया था। गाइस मंदिर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे तरफ दो मंदिर है, उसको 12 महीना ऐसे लाइट जलते रहता है। वो है एक है शंकर भगवान का मंदिर है, और वो वाला जो देखे थे आप वो है राधा कृष्ण का मंदिर है, तो और ये है जगन्नाथ मंदिर है। तो यहाँ अंदर तो मना है, बिल्कुल मना है, तो मैं आपको दिखा दिया और मंदिर के पूरा पीछे तरफ पूरा घुमा घुमा कर दिखा दिया। कैसा लगा आप? गाइस यहाँ पर देखिए मंदिर को पूरा ध्यान पे रखते हुए ऐसा पार्क का डिज़ाइन किए हैं, लगेगा कि मानो कोई वन विहार में घूमने के लिए आए हैं, लेकिन ये पार्क नहीं है, वास्तुकला के ऊपर पूरा निर्भर है। और यहाँ के जितने भी खूबसूरत बगीचा है इस कदर आपको लगेगा, पूरा मन को मोह लेगा। सभी के ध्यान मंदिर के आसपास के जितने भी वास्तुकला के ऊपर बनाए गए हैं, मंदिर का डेकोरेशन किए हैं, और ख़ास करके यहाँ के जितने भी छोटे मोटे बगीचे हैं वहाँ पर हर तरह का लाइट कनेक्शन किए गए हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिन से ज़्यादा रात के टाइम आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप भी यहाँ पर आया कीजिए, आपका भी मन खुशी से झूम उठेगा। तो गाइस आइए अभी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें, और मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, आप मेरे साथ में भगवान का दर्शन भी कर लीजिएगा। गाइस मैं आपको मंदिर का पूरा परिक्रमा करके दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। भगवान विष्णु जितने अवतार लिए थे, खासकर 24 अवतार लिए थे, 24 अवतार में से 10 अवतार महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो उस अवतार में से 10 अवतार का इस मंदिर में पूरा वर्णन किया गया है। मंदिर के चारों दीवारों पर अच्छे अच्छे मूर्ति का वर्णन किए हैं जो कि आपको देखने के लिए बहुत अच्छा लगेंगे। तो गाइस देख सकते हैं लोग अभी भी मंदिर के पूरे परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और 78 फीट का मंदिर है। तो गाइस देखिए ये है भगवान विष्णु का बरहा अवतार जो मैंने आपको बाद में बताया था, तो आपको बता दिया मैं। और आइए पूरा मंदिर को पूरा परिक्रमा करेंगे। मंदिर के परिक्रमा करने में इतना आनंद मिलता है, पूरा खुशी लगता है, और मैंने सोचा रथ यात्रा आने से पहले क्यों ना आपको जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कराया जाए, तो मैंने आपको जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कराया। और यहाँ से पंचलिंगेश्वर कितना किलोमीटर है मेरे लिंक में आपको मिल जाएंगे, तो देखते रहिए। इमामी पेपर मिल लिमिटेड द्वारा किए बालेश्वर शहर बाल गोपालपुर परिसर में 3 एकड़ भूमि पर 78 फीट ऊंचे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह एक बड़े रथ के पहियों पर बना हो। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4,300 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। तो गाइस मंदिर घूम लिए, बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोग अपना घर के लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भी है आपके साथ, तो भाई लोगों ने बोल दिया, इनके लिए जरा सुनकर दोस्तों हम लोकल गए थे। चलो कोई बात नहीं, तो गाइस इनके बात रख करके भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब कर दें। जरूर हो गया भाई, जगन्नाथ जगन्नाथ चाहेंगे ना।